दलित से विवाह करना युवती को पड़ा महंगा। पिता सहित समाज के लोगों ने बाल कटवाकर कराया शुद्धिकरण। युवती को भुगतनी पड़ी प्रेम विवाह की सजा। बैतूल में रहने वाली एक युवती को दलित समाज के एक युवक से विवाह करना महंगा पड़ गया। युवती को अब अपने परिजनों के जुल्मों का शिकार होना पड़ रहा है। दरअसल जिले के चौपना थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती साक्षी ने दलित युवक अमित से प्रेम विवाह किया था। परिजनों की गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने युवती को दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। रक्षा बंधन पर जब वह अपने घर आई तो पिता सहित अन्य लोगों ने युवती को होशंगाबाद लेकर गए। युवती का आरोप है कि उसे अर्धनग्न अवस्था में पहले स्नान कराया गया, उसके बाद बाल काटकर शुद्धिकरण किया गया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने दलित समाज के युवक से शादी की है। जिसके बाद युवती चुपके से अपने पति के घर पहुंची और बैतूल पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। मैंने 11 मार्च 2020 को शादी की है अमित अहिरवार से। उसके बाद मैंने 4 जनवरी 2021 को अपने पापा को ये सारी बातें बताई थी। उसके बाद मेरे पापा लगातार मुझसे मिलने आते रहे, कांटेक्ट में रहे। उसके बावजूद भी 10 जनवरी 2021 को उन्होंने मेरी चोपना थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। उसके बाद 12 जनवरी को पुलिस मेरे घर पर आई थी, मुझे बिना किसी आदेश दिखाए मुझे यहाँ से उठाकर ले गई और यही कहा कि हमें बयान कराना है चोपना थाने में, उसके बाद हम घर पहुँचा देंगे वापस। लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बयान नहीं लिया, एक कोरे कागज में साइन करवाई और उसके बाद मेरे पापा के घर पे जाकर छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैं अपने हॉस्टल चली गई थी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। फिर वहाँ से मुझे छुट्टियाँ मिली रक्षाबंधन पर 18 अगस्त 2021 को। तो तब मेरे पिताजी वहाँ पहुँच गए थे और मुझे नर्मदा नदी के घाट ले जाकर वहाँ मेरा शुद्धिकरण करवाया था, पूजा पाठ करवाई थी मुझसे। वहाँ पर मुझे आधे कपड़ों में नहलाया था, जूठी पूड़ियाँ खिलाई थी, बाल काटे थे मेरे थोड़े से और जो कपड़े मैंने पहने थे उनको वहाँ पर फेंकवाए थे। इससे पहले मैंने 4 जनवरी को थाना कोतवाली में शिकायत की थी कि मेरे घर वालों से खतरा है, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद पुलिस वाले जब मुझे ले जा लिए थे, उसके बाद मेरे पति के द्वारा लगातार 11 से 12 दिन यहाँ पर आए थे, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। मेरी शादी 11/3/2020 को हुई थी। उसके बाद पश्चात मैंने इनके पिताजी को सूचित किया था कि आप घर आइए, हम बैठिए बात करिए। इनके पिताजी लगातार 11 दिन घर आए, उसके बावजूद भी उनके पिताजी ने चोपना थाना की सहायता से हमारे घर पुलिस भेजी और मेरी वाइफ को बिना किसी कागज़ दिखाए अपने साथ ले गए। और उसके बाद से मुझे अपनी वाइफ का कुछ भी पता नहीं था। मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने मैडम से लगातार मिलते रहा, तब भी मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। फिर कल मेरी वाइफ अपने हॉस्टल से भागकर सीधे मेरे पास आई है, तो मैं आज पुलिस अधीक्षक मैडम से मिलने आया था। ये चोपना थाना क्षेत्र का मामला है, लड़की चोपना थाना क्षेत्र की रहने वाली है। मार्च 2020 में लगभग इसने शादी की थी, लव मैरिज है दोनों की, आर्य समाज से शादी की थी। लड़की अभी नर्सिंग का कोर्स करने के लिए बाहर रह रही है राजगढ़ में, लड़का यहाँ बैतूल का रहने वाला है। इसके जो परिजन हैं, लड़की के परिजन हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि क्योंकि लव मैरिज की है और लड़का अदर कास्ट का है तो इसके साथ शादी करें, इसलिए उसको परेशान कर रहे हैं। तो अभी इसमें जिस तरह की शिकायत की है कि लड़की को घाट ले जाया गया नर्मदा के किनारे, उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, ये उल्लेख है उसका जो आवेदन दिया है लड़की ने, उसमें ये उल्लेख है कि उसके जो परिजन हैं उसके द्वारा, क्योंकि लड़का अदर कास्ट का है और ये ओबीसी की है लड़की, तो कुछ शुद्धिकरण वाली बात उसके आवेदन में आई है, तो उसकी जांच की जाएगी और फिर उचित कार्रवाई की। अभी वो यही बोल रही है कि हमसे मुझे धमकी दी जा रही है। अभी देखते हैं, जाँच कोतवाली को मार्क हुई है, जाँच के बाद अभी वो टिकारी में रह रही है, यहीं प्रॉपर बैतूल में रहने, लड़की जो पक्ष है वो चोपना थाना क्षेत्र में है, उनको हमने हमारा नंबर प्रोवाइड कर दिए हैं, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत मुझे कॉल कर दें या 100 नंबर तो फिर मेरी कॉल। नहीं नहीं, ये तो जाँच का विषय है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया और ना उन्होंने आवेदन में ऐसा कुछ उल्लेख किया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बैतूल से राजेश भाटिया की रिपोर्ट।